कुदरत का करिश्मा दुनिया की सब तो ज्यादा खतरनाक जगह जिथे है दुनिया के सब तो ज्यादा खतरनाक जीवों का बसेरा जिथे जिंदगी जीने के लिए हर रोज मौत के नाल खेडना पैंदा है। यह दुनिया की सब तो ज्यादा सोहनी जगह भी है ते दुनिया की सब तो ज्यादा डरावनी जगह भी है। यह एक अजिही जगह है जिथे जाके तुहानू लगेगा कि तुसी करोड़ों साल पिछे आ गए हो। यह एक अजिही जगह है जिथे डायनासोर वर्गे अज भी बहुत ज्यादा खतरनाक जीव जिउंदे हो सकते ने। यह हां जी एमाजोन के मीह वाले जंगल ज कही एमाजोन के रेन फॉरैसट। अज की इस वीडियो के मैं तुहानू एमाजोन जंगल के अजिहे कुछ अंदरले डरावने राज दसूंगा जिन्होंने सुन के तुहाडे होश उड़ जाएंगे। एमाजोन के जंगल साउथ अमेरिका का ही एक हिस्सा ने ते ए जंगल 67 लाख स्क्वेयर किलोमीटर के एरिए दे विच फैले हुए ने। यह खतरनाक जंगल की सीमा ब्राजील तो शुरू होकर कोलंबिया पेरू के नाल नाल चलते हुए अगे जाके साउथ अमेरिका के देशों के नाल लग के खत्म होंदी है। एमाजोन के जंगल इन्ने ज्यादा वड्डे ने कि जेकर यह एक देश हुंदा तां खेत्रफल के हिसाब के नाल यह दुनिया का 7वां सब तो वड्डा देश हुंदा। तुसीं एमाजोन के जंगलों के साइज का जां कहीए आकार का अंदाजा इत्थों लगा सकते हो कि इस दे विच इंडिया वर्गे 2 देश ते पाकिस्तान वर्गे 7 देश समा सकते ने। एमाजोन के जंगल इन्ने ज्यादा संघने ने कि इस दे कई इलाकों विच तां सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी तो जमीन तक पहुंचना बहुत दूर की गल है। जदों एमाजोन जंगल दे विच मीह पैंदा है तां इस दे कई इलाकों विच मीह दे पानी नूं भी जमीन तक पहुंचने लई 10 मिनट लग जांदे ने ते पूरे साल दे विच एमाजोन दे जंगलों के अंदर एक भी हफ्ता अजिहा नहीं लंघदा जदों इत्थे मीह ना पवे। इस करके इस नूं एमाजोन रेन फॉरैसट जां कहीए एमाजोन दे मीह वाले जंगल कहा जाता है। सानूं धरती दे उपर जिउंदे रहण दे लई ऑक्सीजन की जरूरत होंदी है ते एमाजोन दे जंगल कार्बन डाइऑक्साइड लैके अपने पौद्यां दे राहीं सानूं ऑक्सीजन दिंदे ने। इस समय असीं जिहड़ा साह लैंदे हां इह ऑक्सीजन दा 20% हिस्सा सानूं एमाजोन दे जंगलों तो ही मिलता है। एमाजोन के जंगलों के लगभग 1100 नदियां वगदियां ने ते दूजी दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी नदी है वह भी एमाजोन के विच है। यह नदी 6400 किलोमीटर लंबी है ते इस नदी नूं एमाजोन रिवर कहा जाता है। एमाजोन नदी जिन्नी देखण दे विच खूबसूरत है उस तो किते ज्यादा ही खतरनाक भी है। इस नदी के विच अजिहे खतरनाक जीव रहिंदे ने जिहड़े सिर्फ एमाजोन के जंगलों के विच ही पाए जाते हैं, जिवें कि गुलाबी डॉल्फिन। यह 10 फुट तक लंबी होंदी है ते इसका वजन तकरीबन 200 किलोग्राम तक होंदा है। यह पिंक कलर की डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन के नालों बहुत ज्यादा तेज होंदी है। तुसीं आम ही सधारण डॉल्फिन नूं इंसानां दे नाल खेलदा देखिया होगा पर यह पिंक कलर की डॉल्फिन इंसानां नूं भी अपना शिकार बना लेंदी है। इस नदी के विच इक अजिही मच्छी भी पाई जाती है जिसनों इलैक्ट्रिक ईल कहा जाता है ते यह मच्छी अपना शिकार करने के लिए उसनों एक बिजली का झटका दिंदी है ते इस मच्छी के बिजली के झटके नूं 800 वोल्टेज तक मापिया गया है। यह इलैक्ट्रिक ईल अपने तो कितने वड्डे मगरमच्छा नूं भी अपने एक बिजली के झटके नाल मार दिंदी है। इन एमाजोन के जंगलों के विच इक अजिही खतरनाक नदी भी वगदी है जिस दे विच जेकर कोई इंसान जां जानवर डिग पवे तां उह जिउंदा ही उबल जाएगा। इस नदी नूं वाइलिंग रिवर कहा जाता है। यह 7 किलोमीटर लंबी है, 100 फुट चौड़ी है ते 20 फुट डूंगी है। यह नदी के पानी का तापमान लगभग 100 डिग्री सैलसीयस रहिंदा है जिस दे विच जेकर तुसीं कोई भी खाण वाली चीज़ रखोगे तो तुरंत कुछ सैकंड के विच ही पक जाएगी। पर यह नदी का पानी हमेशा उबलदा क्यों रहिंदा है इसके असली कारण का पता अज तक भी नहीं लग सकिया। एमाजोन के जंगल जिन्ने देखण दे विच सोहणे ने उस तो कितने ज्यादा जां कहीए 100 गुणा ज्यादा खतरनाक ने। एमाजोन के जंगलों के जानवर पौधे ते पंछियों दीआं अजिहीआं किस्मां मौजूद ने जिहड़ियां दुनिया के होर कितने भी नहीं मिलदियां। एमाजोन के जंगलों के 44,000 पौद्यां दीआं किस्मां पाईआं जांदीआं ने ते 13,000 तरह के पंछी पाए जांदे ने ते इत्थे 22,000 तरह दीआं मच्छियां ने, 380 तरह के इत्थे रैप्टाइल्स पाए जांदे ने ते 25 लाख तो ज्यादा इत्थे कीड़े मकौड़ियां दीआं किस्मां पाईआं जांदीआं ने। रिसर्चर के मुताबिक एमाजोन के जंगलों के 3 मिलियन तो ज्यादा अजिहीआं स्पीसीज़ ने जिन्हां की अज तक खोज भी नहीं हुई। एमाजोन के जंगलों के कुछ अजिहे जीव भी रहिंदे ने जिहड़े कि हद तो ज्यादा खतरनाक ने ते इन्हां जीवों के विचों ही एक जीव है ग्रीन रंग जाने के हरे रंग का एनाकोंडा। यह हरे रंग का एनाकोंडा दुनिया का सब तो बड़ा ते सब तो खतरनाक सप है। यह सिर्फ एमाजोन के जंगलों के विच ही पाया जाता है ते यह 30 फुट तक लंबा होंदा है ते इसका वजन 250 किलो तक होंदा है। जदों यह एनाकोंडा शिकार करता है तो वड्डे तो वड्डे जानवर नूं भी यह अपने अंदर निकल जाता है, जिवें कि हिरन जंगली सूर ते चीते वर्गे जीवों नूं भी यह अपना शिकार बना लेंदा है। एमाजोन के जंगलों के पता ही नहीं अजिहे किन्ने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद ने। विज्ञानियों नूं किसी भी जीव के उपर रिसर्च करन दे लई उसके शरीर नूं कटना पैंदा है जां कहीए चीरना पैंदा है, पर एमाजोन के जंगलों के विच इक अजिहा डड्डू पाया जाता है जिसके शरीर के सारे अंग बाहर तो ही दिसदे ने। इस डड्डू नूं ग्लास फ्रॉग के नाम नाल जाणिया जाता है ते इसकी पूरी चमड़ी ट्रांसपेरेंट हुंदी है जिस करके इहदे शरीर के सारे अंदरले अंग साफ साफ दिखाई दिंदे ने, जिवें कि इसका धड़कदा होया दिल, फेफड़े, लीवर आदि बिल्कुल साफ दिखाई दिंदे ने। जदों असीं इक सधारण कीड़ी नूं अपने तो ज्यादा भार चुकदे देखदे हां तां असीं हैरान हो जाते हाँ, पर एमाजोन के जंगलों के विच इक अजिही कीड़ी पाई जाती है जिहड़ी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम है बुलेट आंट। यह कीड़ी का साइज लगभग 4 सेंटीमीटर तक होंदा है। जेकर यह कीड़ी किसी इंसान नूं गलती दे नाल कट लवे तां उह इंसान तड़प तड़प के मर भी सकदा है। रिसर्चर का कहना है कि इस कीड़ी के कट्टण दे नाल जिहड़ा दर्द होंदा है उह गोली लगण दे दर्द दे बराबर होंदा है, इस करके इस नूं बुलेट एंट कहा जाता है। एमाजोन के जंगलों के विच इक अजिही छिपकली भी पाई जाती है जिहड़ी पानी के उपर चल सकती है। इस नूं जिज स्लेजड़ कहा जाता है।
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਲਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਕਲੈਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਓਕਲੈਪਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਓਕਲੈਪਸ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਜਵਾਨ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।